Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. कल के वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास थर्ड SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024-25 के मैथ के पेपर आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने दो सेक्शन आपको बता दिया था, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। आज हम देखेंगे नेक्स्ट दो सेक्शन, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस रहते हैं पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे एक बार अवश्य चेकआउट करें कि मैंने इस क्वेश्चन को किस प्रकार एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम देखेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 तक वहां हो गए थे, अब एवरीडे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। देयर आर 20 फ्लैट इन सोसाइटी। इफ द वाटर कंजप्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 125 लीटर पर डे, देन हाउ मच टोटल वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द ऑल द फ्लैट्स ऑफ डे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सोसाइटी में 20 फ्लैट्स हैं और यदि हर फ्लैट एक दिन में 125 लीटर खर्च करता है तो पूरे डे में ऑल फ्लैट्स कितने लीटर्स वाटर खर्च करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या करेंगे, 125 इंटू 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 2500। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रोहित वॉक अराउंड द स्क्वायर शेप गार्डन साइड इन 45 मीटर। जैसे मान लीजिए रोहित जो है ये स्क्वायर शेप का गार्डन है, वॉक अराउंड स्क्वायर शेप गार्डन साइड 45 मीटर, यानी ये 45 मीटर है एक साइड जो है, तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस डेट कवर इन ऑल। तो ऑल डिस्टेंस में वो कितने कवर होगा। अब हमको पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल्स होते हैं, तो ये 45 है तो ये टोटल जो है ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 एंड देन ये 45। तो पूछा जा रहा है टोटल कितने डिस्टेंस जो है रोहित कवर करेगा, तो रोहित जो है इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 45 प्लस 45 90 और फिर 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रियंका बॉट 125 चॉकलेट्स। इफ सी डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग हर 15 स्टूडेंट इक्वली, देन हाउ मेनी चॉकलेट्स विल लेफ्ट विथ हर। यदि प्रियंका 125 चॉकलेट्स खरीदती है और 15 स्टूडेंट्स में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके पास कितने बच जाते हैं। तो 15 स्टूडेंट्स में 15 चॉकलेट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इसमें हो जाएगा 125 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 8 जा यहां पर हो जाएगा, कलर ले लेते हैं, 15 8 जा यहां पे 120 हो रहे हैं तो कितना बच जाता है उसके पास, 5 चॉकलेट्स। कितना बच रहा है, 5 चॉकलेट्स बच रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
नव्या हैज 225 इन हर वैलेट, नव्या के वॉलेट में 225 रुपीज हैं। सी वॉन्ट टू बाई द गिवन पेयर ऑफ शू, वह ये शूज को खरीदना चाहती है। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाई द गिवन पेयर ऑफ शू, अगर नव्या के पास 225 रुपीज है और शूज 530 का आ रहा है और नव्या को इस शूज को खरीदने के लिए और कितने पैसे की जरूरत है। तो 530 में से हम 225 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 2 टू 0 और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 305। तो करेक्ट आंसर हो गया 305। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मिसेस शर्मा रोट 4 डिजिट नंबर ऑन ब्लैकबोर्ड। 3 स्टूडेंट अंशु, विशाल एंड बादल सेड टू फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नंबर। मिस्टर शर्मा 4 डिजिट के एक नंबर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर हमने लिख लिए। तो अंशु कह रहा है इट इज अ 4 डिजिट नंबर बट नॉट अ लिस्ट, ये कह रहा है 4 डिजिट नंबर है लेकिन वो सबसे कम नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे विशाल कह रहा है इट इज अ लेस देन 4 डिजिट नंबर बट ग्रेटर देन 997। जैसे मान लीजिए 4 डिजिट नंबर अगर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, 4 डिजिट नंबर ब्लैक बोर्ड, तो वो सबसे बड़ा नंबर नहीं है कहा जा रहा, उससे सबसे छोटा नंबर नहीं है यानी बड़ा नंबर है। देन लेस देन द लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से छोटा है लेकिन लार्जेस्ट बड़ा डिजिट नंबर क्या हो जाता है, 999। तो सेकेंड स्टेटमेंट में विशाल क्या कह रहा है, फोर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से लेस है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, ठीक है, बट ग्रेटर देन 997 लेकिन इससे बड़ा है। एंड बादल इट्स 100 प्लेस डिजिट इज 9, तो 100 प्लेस पे अगर हम लिखते हैं तो ये 9 होता है। तो इफ ऑल 3 स्टूडेंट टूथ देन द फाइंड द नंबर, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा 999 और इसके अकॉर्डिंग बट ग्रेटर देन 97 है तो 97 से बड़ा हो जाएगा 98 और इससे लेस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9998, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देयर आर 18 हैंडेड बुक्स प्लेस इन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 1800 बुक्स हैं, आउट ऑफ विच 250 आर हिंदी स्टोरी बुक, 530 आर लिटरेचर बुक एंड इट इज द इंग्लिश स्टोरी बुक। तो हाउ मेनी टोटल इंग्लिश स्टोरी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी, अगर एक लाइब्रेरी में 1800 बुक है, ठीक है, और उसमें से 2500 हिंदी का है और 2500 स्टोरी बुक है, 530 लिटरेचर बुक है, तो इसको हम प्लस करके जो आएगा उसमें से हम 1800 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 3 8 और 5 और 2 7, इसको हम माइनस करेंगे 780 से, तो हमारा ये लिटरेचर बुक जो है माइनस होकर आ जाएगा 1020। जैसे ये 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 770 और ये 1020, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1020। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विशाल सेव 250 ईच मंथ इज फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ईयर एंड सेव 200 ईच मंथ इन लास्ट 6 मंथ ऑफ सेम ईयर, तो हाउ मच टोटल अमाउंट डिड सेव इन होल ईयर्स। तो इसमें कहा जा रहा है विशाल ने फर्स्ट 6 मंथ में 250 रुपये सेव किया एंड लास्ट 6 मंथ में इन्होंने 200 रुपये पर मंथ सेव किया, तो टोटल उसने होल पूरे ईयर में कितने सेव किए। तो पहले 6 मंथ का हम निकाल लेंगे 250 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 250 इंटू 6 में 6 5 जा 30, 3 कैरी ऑन
सिक्स टू जो 12, 13, 14, 15, ये 1500 हो गया। और लास्ट सिक्स मंत्र यानी 200 × 6 तो ये हो गया 1200। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700। तो टोटल इसने 2700 सेव किए। तो करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन डी 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द टेम्परेचर ऑफ सर्टन प्लेस इन द मॉर्निंग वॉज 27°C। इफ द टेम्परेचर गॉट डिक्रीज बाई 11°C इन द नाइट, देन वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एट नाइट। कहा जा रहा है अगर किसी जगह पे सर्टन प्लेस पे मॉर्निंग का उसका टेम्परेचर है 21 डिग्री और यदि वो डिक्रीज होकर 11°C हो जाता है तो रात में उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो 27 डिग्री में से 11 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1, 16 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दिव्या वेट 54 kg 435 ग्राम एंड काव्या वेट 52 kg 412 ग्राम, हु वेट्स मोर देन बाई हाउ मच। इन दोनों में से ज्यादा वेट किसका है और कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये 54 है, ये 42 है। तो ज्यादा वाला वेट किसका हो गया, दिव्या का, ठीक है। अब कितना ज्यादा है तो यहाँ पर से हम देख लेंगे 54 kg 435 में से इसको हमको माइनस करना है। तो ये 52 और ये हो जाएगा 412, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 kg 23 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। With about 30 candies, she gave 10 candy to her sister and 15 candies to her brother. What fraction of total candies are left with her? अगर कृति ने 50 कैंडी खरीदी है, उसने 10 कैंडी सिस्टर को दे दी और 15 कैंडी ब्रदर को दे दी, तो 10 + 15 कितना हो गया 25। तो उसके पास टोटल कितना बचा है उसको हमें फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो 25 और टोटल कितना हो रहा है 50। तो 50 में से 25 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 25/50। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं अचीवर सेक्शन से। अचीवर सेक्शन से करीब 5 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें देखना है। पी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर इज 900+900+9+90। अगर 4 लार्जेस्ट डिजिट हमारा क्या होता है 9999, इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो ये होगा दिस इज ट्रू। तो ये हम क्या लिख देते हैं ट्रू। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म द यूजिंग ऑफ 3, 0, 9 and 5। ये नंबर दिया गया 3, 0, 9, 5, इसको हमें ये 4-डिजिट नंबर जिसको हर नंबर को हमको एक बार ही यूज करते हुए स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, तो ये सही लिखा गया है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4, 7 to 4, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यानी 200 इन द 3 टाइम्स, तो 200 को 3 टाइम्स लेंगे तो ये 600 हो जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यहाँ पर क्या हो रहा है 600 के डिजिट में नहीं हो रहा है, तो दिस इज फॉल्स। तो क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा पी एंड क्यू दोनों सही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, पी एंड क्यू ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं 32। आपसे निवेदन है अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस पेपर मुझे नहीं मिल पा रहा है कि इसका पीडीएफ मैं कहाँ से लूँ,
तो ये मैंने दूसरे जगह से फोटो खींच कर जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है फोटो आपको क्लियर बहुत नहीं दिख रहा हो, तो प्लीज इसे नज़रअंदाज करें और हमारे समझाने के प्रोसेस को ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑब्जर्व करना है इसको और क्लियर करना है। पहला पी है द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन। द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन टू फिगर एक्स एंड अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, शेडेड फ्रैक्शन 1, 2, 3, 4। ये देखिए यहाँ पर लाइट कलर में दिख रहा है 1, 2, 3, 4। तो ये 4 जो है हमारा x हो जाएगा, x की वैल्यू हमारा ये x है तो x जो है हमारा 4 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोर पार्ट्स दैट शुड बी अनशेडेड फिगर इन जेड। तो जेड में अनशेडेड फिगर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर अनशेडेड पार्ट जो है 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ही है, ये तो खुला बॉक्स है तो 6 हो गया। तो जेड की अनसेडेड पार्ट जो है 6 है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नंबर शुड बी जेड मार्क टू अनसेडेड फ्रैक्शन 3/2 के लिए करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, 6 इसका अनसेडेड पार्ट देखना होगा, तो 6/12 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो कहा जा रहा है, फिगर हैज द मैक्सिमम शेडेड फ्रैक्शन। मैक्सिमम शेडेड फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पर, तो मैक्सिमम शेडेड फ्रैक्शन जो है यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी। तो 10/12 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 33 पे आते हैं। द गिवन बार शो द मार्क्स स्कोर बाय 4 फ्रेंड्स इन वीकली मैथ टेस्ट। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 बच्चे हैं, 4 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने की वीकली मैथ की टेस्ट हुई है और बार ग्राफ के द्वारा इनके मार्क्स को डिसाइड किया गया है। तो महिमा के मार्क्स जो है 18 आए हैं, ठीक है। गौरव है आपका 24, पूजा 12 एंड वंस 15, ठीक है। तो ये 15 है, पूजा हो गई 12 और ये हो गया 24 और महिमा 18। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर स्कोर बाय गौरव देन वंस। गौरव को वंस से कितना ज्यादा मार्क्स आया है, गौरव एंड वंस। तो 24 में से 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 9। तो यहां पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट सिक्वेशन क्या हो रहा है। एज कल टू हमारा पी जो है 9 हो रहा है। नेक्स्ट दूसरे स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम द महिमा एंड पूजा टुगेदर टू द मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम 4 फ्रेंड्स ऑल टुगेदर। पहले तो हमें बताना है कि महिमा और पूजा का टुगेदर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो महिमा और पूजा 18 + 12, 8 × 2 = 10, किसुन्ना हाथ में 1 × 2 = 30, ठीक है। तो ये 30 आ रहे हैं और टोटल मार्क्स जो है वो फ्रैक्शन में डालना है हमको चारों फ्रेंड्स के। तो इन चारों फ्रेंड्स के टोटल करने पे हमारे पास आ रहे हैं टोटल 69। 69 आ रहे हैं। तो ऑप्शन ये हो गया अपना क्यू।
तो पी में 9 आ रहा है और क्यू में 30/69। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 34। अरेंज द गिवन फिगर, डोंट ड्रॉ द स्केल इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर एज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये जो ग्राफ दिया गया है इन सभी को हमें टोटल करना है अलग अलग ग्रुप में और फिर इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो इन सभी को हम प्लस करते हैं, जैसे देखिए 1 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये 17 सेंटीमीटर हो गया। एंड उसी प्रकार इसको हम प्लस करेंगे क्यू को, तो ये हमारा हो जाता है 32 सेंटीमीटर। और देन आर को अगर हम इसी तरह राउंड अप प्लस करते जाएंगे तो ये हमारा होता है 29 सेंटीमीटर। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब होता है स्मॉलर टू हाईएस्ट नंबर। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 17, फिर 29 और फिर हमारा हो जाएगा 32। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, पी, फिर आर और लास्ट में क्यू। पी आर क्यू कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, पी आर क्यू ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 अचीवर सेक्शन से। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ए, इसमें हमें बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है और इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमें बताना है। द टोटल नंबर आवर्स इन 5 वीक्स इज 840, क्या ये सही है, ये कहा जा रहा है। तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं, 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स 7 डे में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 5 वीक बता रहे हैं। तो 7 डे में हमारा हो जाएगा, 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 168। 168 कितना हो रहा है, 1 वीक। अब हमको निकालना है 7 वीक, तो 7 वीक में 168 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आता है 168 into 5, क्योंकि 5 वीक से हमको 5 वीक पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से अगर हम 168 into 5, करेक्ट टाइम क्या होगा, 520। दिस इज फॉल्स क्योंकि ऑलरेडी 515 हो रहा है, अगर हम स्लो करेंगे तो टाइम और पीछे जाएगा, जबकि 515 से 528 ज़्यादा टाइम बताया जा रहा है, तो दिस इज